हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 34 जिसका नाम है हाई कोर्ट। ये पार्ट वन है, दो पार्ट्स में इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि इसको इजिली और बहुत ही ज्यादा इलैबोरेटरी चीजों को समझ सके। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। बात करते हैं शुरू से, हर चीज को समझेंगे। देखिए हमारा जो भारत है उसमें जो ये जुडिशियल सिस्टम है ना, वो कुछ इस तरह से है कि सब आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इसलिए इसको इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड क्यों है? क्योंकि देखिए सबसे टॉप मोस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से समझ लीजिए ये सबके पिताजी हो गए। उसके बाद जो नीचे आएंगे उसके नीचे कई सारे हाई कोर्ट्स आ गए, और उन हाई कोर्ट्स के नीचे भी आते हैं, वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या आप कह दो सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो भी इसके नीचे आते चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हायरकी होती है। तो सबसे जो सुप्रीम पोजीशन है वो सुप्रीम कोर्ट की, और एक तरह से देखें तो बाकी नीचे के सारे कोर्ट जो है उनकी पावर सुप्रीम कोर्ट से कम भी है, साथ ही साथ ये कनेक्टेड भी है। तो ये है कुछ मामला, इस वजह से ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहलाता है। अब देखिए हाई कोर्ट की शुरुआत कहां से हुई? तो ये हाई कोर्ट को इंडिया के अंदर 1862 में लाया गया, और उस वक्त की बात है जब हाई कोर्ट तीन उस वक्त की मेजर प्रोविंसेस, एक थी आपकी कैलकटा, दूसरा था बॉम्बे और तीसरा था मद्रास, इन तीन जगहों पे हाई कोर्ट को एस्टैब्लिश करा गया था। ये बात है कुछ भाई उसी समय जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज किया करते थे। खैर उसके 4 सालों के बाद की बात है, 1866 मतलब 1866 की बात है, जब एक चौथा हाई कोर्ट भी लेकर आए, और वो हाई कोर्ट को इलाहाबाद के अंदर सेटअप करा गया। आज इलाहाबाद का हाई कोर्ट हम देखते हैं, काफी इसके जो है वो जितने भी डिसीजंस निकलते हैं काफी फेमस भी होते हैं। तो ये इलाहाबाद का हाई कोर्ट चौथा हाई कोर्ट था। खैर वक्त के साथ साथ हाई कोर्ट की जरूरतें और बढ़ने लगी, और हर एक प्रोविंस उस समय जो ब्रिटिश इरा की थी उन सब के पास ही अपने अपने हाई कोर्ट होने लगे। अब हमारा देश 1947 में जब आजाद हो गया, उसके बाद 1950 की बात है जब हाई कोर्ट जो है जो भी जिस प्रोविंस में जो भी हाई कोर्ट था वो उस करस्पॉन्डेंस स्टेट का हाई कोर्ट बन गया। ठीक है, जो भी स्टेट के अंदर वो प्रोविंस आ रही थी उस स्टेट का हाई कोर्ट वो बन गया जो उस प्रोविंस के अंदर उस समय हुआ करता था। अब ये तो बात हो गई इतनी। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी है कि हर एक स्टेट के पास अपना खुद का एक हाई कोर्ट होना जरूरी है। ठीक है, हाई कोर्ट हो सकता है, लेकिन एक अमेंडमेंट एक्ट आया जिसे हम लोग 7th अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, और ये 1956 में आया था। इसने क्या कहा, इसने पार्लियामेंट को पावर दे दी कि भाई पार्लियामेंट साहब आप एक काम कर सकते हो, आप एक कॉमन हाई कोर्ट भी बना सकते हो जो दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए मान्य होगा, या फिर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए मान्य होगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास ये सारे तरीके की पावर आ गई। और देखिए अब आप कहेंगे कि हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन होता है वो कहां तक होता है, एक हाई कोर्ट अगर एमपी का हाई कोर्ट है तो उसका ज्यूरिडिक्शन कहां तक होगा? तो देखिए जहां तक उसकी स्टेट की टेरिटरी होगी, बाउंड्री होगी, वहां तक उसका ज्यूरिडिक्शन होगा। ये बात समझ के चलिएगा, क्लियर। अब 2019 तक अगर हम देखें तो हमारे देश में करीब 25 हाई कोर्ट्स मतलब 25 हाई कोर्ट्स हैं, और उनमें से जो तीन हाई कोर्ट हैं वो आप उनका जो ज्यूरिडिक्शन है वो एक से ज्यादा स्टेट के लिए है, मतलब यहाँ पे एक से अधिक स्टेट के लिए वो हाई कोर्ट है। साथ ही साथ अब जो हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई, उन 9 यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। तो दिल्ली तो दिल वालों की, इसके पास खुद का हाई कोर्ट हो गया, और ये हाई कोर्ट इसमें 1966 में बनाया गया था। अब जो यूनियन टेरिटरी अभी नई नई बनी है JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की, इन दोनों का ही एक कॉमन हाई कोर्ट है। कुछ जो बाकी दूसरी यूनियन टेरिटरीज हमारे पास जो बची बाकी 6 वो किसी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर आती है, समझे। अब देखिए पार्लियामेंट जो है वो अपना ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट का किसी भी यूनियन टेरिटरी में एक्सटेंड कर सकते हैं, या
क्या एक्सक्लूड कर सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन किसी भी यूनियन टेरिटरी से, ये डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट क्या चाहते हैं, तो पार्लियामेंट के पास काफी ज्यादा इस बारे में पावर है। अब आप कहेंगे मैम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर हम जानेंगे भाई कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है इन हाई कोर्ट्स का, इनकी क्या आजादी है, कहाँ तक ज्यूरिडिक्शन है, क्या पावर है, क्या प्रोसीजर है ना, तो ये सब क्या है हाई कोर्ट के। तो प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 214 मतलब 214 से लेके आर्टिकल नंबर 231 मतलब 231 तक के लिए, और पार्ट हमारा 6 है जिसके अंदर आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, कैसे ही ये जो हाई कोर्ट्स हैं वो बनते हैं, इनकी इंडिपेंडेंस क्या है, ज्यूरिडिक्शन क्या है, पावर क्या है, प्रोसीजर क्या है एंड एवरीथिंग एल्स। ये तो हमने पूरा हाई कोर्ट के बारे में जाना, अब हम जानेंगे आखिरकार कैसे ये बनते हैं, कैसे और भाई इसके अंदर जो है जजेस वगैरह का अपॉइंटमेंट होता है। तो देखिए हर एक हाई कोर्ट चाहे वो एक्सक्लूसिव हो मतलब स्टेट के लिए इकलौता हाई कोर्ट हो, या कॉमन हो मतलब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट हो, कोई भी तरीका हाई कोर्ट हो, इसके अंदर आपको चीफ जस्टिस देखने को मिलेंगे जिसे हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहते हैं बच्चों, एंड ऐसे जजेस देखने को मिलेंगे जैसा कि प्रेसिडेंट चाहे, है ना, और प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट करते रहते हैं टाइम टू टाइम जजेस को और अपने हिसाब से करते रहते हैं जैसा उनको जरूरी लगता है। इसलिए देखिए इस हिसाब से आपको क्या लगता है समझ के कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं बताया है कि हाई कोर्ट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतने लोग होने चाहिए, ये कंप्लीटली किसके हाथ में है, ये पूरी तरह से हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके हाथ में है डिसाइड करना कि किस तरह से हम यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे टाइम जिस भी जैसा भी काम हो, जिस हिसाब का वर्कलोड हो, उस हिसाब से प्रेसिडेंट जो है उनके अंदर जजेस ज्यादा डाल देते हैं या कम है तो निकाल लेते हैं, जैसा चाहे वैसा यहाँ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो इतना तो आपने समझ लिया, अब हम यहाँ पे जानेंगे अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का। तो देखिए ये जो जजेस होते हैं ना बच्चों, इन्हें अपॉइंट कौन करते हैं, इन्हें अपॉइंट राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, और जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस भी होते हैं ना हाई कोर्ट के अंदर, तो जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, इन्हें भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, और ऐसे ही नहीं कर लेते अपॉइंट, यहाँ पे पहले कंसल्ट करते हैं, ये किन लोगों के साथ कंसल्ट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट करते हैं, साथ ही साथ जो उस स्टेट का गवर्नर होता है उसके साथ भी कंसल्ट करते हैं। तो ये बड़े बड़े दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, इनके साथ जब राष्ट्रपति जब प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं उसके बाद ये अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को उस हाई कोर्ट के। इतनी बात समझ में आई। अब चीफ जस्टिस तो हमने समझ लिया कैसे हो जाते हैं, अब बाकी सारे जजेस को भी तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन भाई अपॉइंटमेंट जो दूसरे जजेस का होता है, जो चीफ जस्टिस होता है उस कंसर्न हाई कोर्ट का, उसके साथ कंसल्ट किया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे लेकिन जो उस हाई कोर्ट का, उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसके साथ कंसल्ट करने के बाद। अब मान लीजिए कोई ऐसा हाई कोर्ट है बच्चों जो दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए है, तो गवर्नर्स उन सारे स्टेट्स के जो होंगे वो कंसर्न करे जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो मतलब समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस यहाँ पे किसको किसको दी जा रही है, चीफ जस्टिस के केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, साथ ही साथ गवर्नर जो उस स्टेट का है उसको, और जजेस के केस में चीफ जस्टिस को, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अब समझिए यहाँ पे एक सेकेंड जस्ट केस हुआ था 1993 में, और इस केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जज का आप अपॉइंटमेंट, जो कि हाई कोर्ट का जज होगा उसका अपॉइंटमेंट आप नहीं कर सकते हो जब तक के लिए यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओपिनियन आप नहीं लेते, समझ रहे हो, आप अपॉइंट नहीं करोगे किसी भी जज को हाई कोर्ट के जब तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आप नहीं ले लेते हो कन्फर्मिटी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जजेस केस के बाद आया फिर थर्ड जजेस केस, जो कि आया 1998 में, ठीक है 1998 में, सीधा 5 सालों के बाद। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अपॉइंटमेंट का केस है हाई कोर्ट के जज का, वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पे कंसल्ट, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी कंसल्ट करेंगे कोलेजियम से, है ना, कोलेजियम बनाई जाती है ना, और वो कोलेजियम में यहाँ पे दो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, मतलब समझ रहे हैं आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करें और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे कंसल्ट करेंगे कोलेजियम से, जिसके अंदर दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे। क्लियर है, इसलिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अकेले की ओपिनियन है वो यहाँ पे कंसल्टेशन प्रोसेस में मैटर नहीं करेगी। ठीक है, ये कह दिया कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से खाली कंसल्ट कर लिया, तो नहीं, इन्होंने कहा थर्ड जस्ट केस में कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कंसल्ट करेंगे यहाँ पे एक कोलेजियम से, जिसमें कि दो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। अब उसके बाद
कहानी और आगे बढ़ी और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जो कि अभी आया है 6 साल पहले 2014 में, और साथ ही साथ इसके आया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 का। अब इसमें क्या हुआ, ये जब दोनों आए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट वगैरह, तो इसके अंदर क्या होने लगा कि जो कोलेजियम सिस्टम था, है ना, जज को अपॉइंट करने के लिए, जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के उनको अपॉइंट करने के लिए और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो कोलेजियम सिस्टम था, जिसमें दो सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के, इसको रिप्लेस कर दिया गया एक नई बॉडी से, और नई बॉडी का नाम क्या रखा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, क्या रखा समझिए, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हालांकि 2015 की बात है, तब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही, 99th वाला हुआ है ना ये अमेंडमेंट कि भैया NJAC वाला और इसको, और साथ ही साथ NJAC को और 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, दोनों ही को यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशन और वॉइड करार कर दिया, मतलब ये खत्म हो गए और सीधी साथ फिर से वही चीज शुरू हो गई, जो कोलेजियम सिस्टम था उसे फिर से यहाँ पे ऑपरेशनल कर दिया गया। और ये डिक्लेयर करने वाली जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो वर्डिक्ट दिया गया है, डिलीवर करा गया है, ये फोर्थ जजेस केस 2015 के अंदर करा गया है। उसमें सुप्रीम, यहाँ जो कोर्ट है उसने, द कोर्ट ओपाइंड दैट द न्यू सिस्टम, मतलब NJAC वुड अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इन्होंने उस समय ये कहा था कि जो ये NJAC आप बता रहे हैं कि हमें जो है वो ऐसी बॉडी बना देंगे जिसका नाम होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो ये जो बॉडी है जिसके थ्रू जजेस को अपॉइंट करने की आप बात कर रहे हैं, ये बॉडी जो है वो हमारी जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, उसे अफेक्ट कर सकती है, तो इसलिए इस बॉडी को नल एंड वॉइड करार कर दिया गया। तो ऐसी रही कुछ कहानी, कोलेजियम वाला सिस्टम वापस आ गया। अब बातों को आगे बढ़ाते हैं और अब आप कहोगे कि मैम आखिरकार क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर हमें जज बनना है, या क्या कस्में वादे हम खाएंगे जब हम जज बन के तैयार हो जाएंगे, क्या क्या हमको पैसा देंगे, क्या हमको अलाउंसेस मिलेंगी, तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखें किसी जज की, तो अगर किसी इंसान को जज बनना है हाई कोर्ट का, तो यहाँ पे उसी के पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि उसे भारतीय नागरिक होना चाहिए, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। दूसरी बात कि इन्होंने जुडिशियल ऑफिस रखा हो टेरिटरी ऑफ इंडिया में 10 सालों तक के लिए, मतलब ये किसी जुडिशियल ऑफिस में रहे हो इंडिया के अंदर 10 सालों तक, या फिर ये जो है वो एडवोकेट हो किसी भी हाई कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट्स के, या एडवोकेट हो 10 सालों के लिए। ठीक है, मतलब या तो ये जुडिशियल इन्होंने सर्विस करी हो, जुडिशियल जो है ऑफिस हो इनका, इन्होंने कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड करा हो हमारे इंडियन टेरिटरी में 10 सालों तक के लिए, और या तो फिर ये एडवोकेट हो किसी भी हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो 10 सालों तक के लिए। तो दो ही यहाँ पे क्राइटेरिया है, तो ये बात समझ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एज वगैरह नहीं बताई गई है कि इतने उम्र का आदमी ही जज बनेगा हाई कोर्ट का, ऐसा कुछ नहीं बताया है, है ना। लेकिन मोर ओवर यहाँ पे अगर हम सुप्रीम कोर्ट के केस में देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी प्रोविजन अपॉइंटमेंट की नहीं बनाई है ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, मतलब यहाँ पे उसके जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने देखा था ना डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाला जो एक प्रोविजन था, तो जज को अब जज जो बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। तो क्वालिफिकेशंस हम यहाँ पे समझ गए बहुत आसानी से। अब दूसरी बात करते हैं कि क्या ओथ लेते हैं ये लोग, भाई अपने ऑफिस में आने से पहले जो जज बनता है वो आखिरकार क्या कसम खाता है, क्या ओथ सब्सक्राइब करता है, उस बारे में हम जानेंगे। तो ये ओथ जो लेते हैं वो गवर्नर के सामने लेते हैं, है ना, जो गवर्नर उस स्टेट का होता है उसके सामने लेते हैं, या तो अगर गवर्नर ने जो भी पर्सन को अपॉइंट करा है ओथ लेने के लिए उसके सामने ओथ ले सकते हैं, मतलब या तो गवर्नर खुद अपने सामने ओथ दिलाएंगे, और या तो गवर्नर मान लीजिए नहीं है किसी इंसान से कहते हैं कि भाई आप इनको मेरे बदले ओथ दिला दीजिएगा, तो उनके सामने ओथ लेंगे। अब मुद्दे की बात समझिए कि अपनी ओथ में क्या जो है वो कसम खाते हैं, कि पहली बात ये कहते हैं टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं हमेशा यहाँ पे फेथफुली काम करूंगा, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए हमेशा जो है एक लॉयल इंसान रहूंगा। दूसरी बात कहते हैं टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओथ होती है कि हम जो हमारे देश की आजादी है, जो हमारे देश का भाईचारा है, उसे हमेशा जो है उसका उसको हमेशा सबसे ऊपर रखेंगे। तीसरी बात टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस विदाउट फियर और फेवर अफेक्शन और इलविल, ये काफी एक इंपॉर्टेंट ओथ है एक जज की जिंदगी में, क्योंकि भाई
इनका कहने का है कि मैं अपने पूरे तरीके से, मैं अपनी पूरी एबिलिटी से, अपनी पूरी नॉलेज के साथ जजमेंट दूंगा, बिना किसी से डरे, बिना किसी गलत भेदभाव के या किसी भी किसी का, बिना किसी का फेवर करे। तो ये बहुत ही, इस ओथ में इनको स्टिक भी रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और चौथी बात, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। मैं जितने जो हमारा संविधान है उसको या बनाए हुए जो भी लॉज हैं, जो भी हैं, उनको मैं हमेशा अपहोल्ड करूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं कि मैं सबसे पहले उनको रखूंगा। तो ये वो कस्में खाते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आगे बढ़ा जाए, आगे बात आती है कि आखिरकार कितना पैसा इनको मिलता है, क्या सैलरी है, क्या अलाउंसेस ये पाते हैं जब ये जज बन जाते हैं, है ना। तो इनको काफी फायदा तो बहुत होता है, जजेस को आपने देखा ही होगा, सैलरीज, अलाउंस, प्रिविलेजेस, लीव वगैरह, पेंशन वगैरह, जजेस की, हाई कोर्ट की, ये सारा का सारा पार्लियामेंट डिसाइड करता है वक्त के साथ कैसा क्या करना है। ये वेरी नहीं हो सकती कि अगर मान लीजिए अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद फालतू में उनकी जो है सैलरी वगैरह आप कम नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट मान लीजिए कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी गई है देश के अंदर तो भले कम हो जाए, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। और 2018 की बात है जब सैलरी को बढ़ाया भी गया था, पहले 90,000 हुआ करती थी, बढ़ा के उसे 2.5 लाख कर दिया गया था आपका जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए। बाकी जजेस जो हाई कोर्ट के थे उनकी 80,000 से बढ़ा के 2,25,000 रुपए कर दी गई थी पर मंथ के हिसाब से, समझ रहे हैं। उसके बाद कई सारे अलाउंसेस भी पाते हैं, जैसे सेंचुरी अलाउंस हो गया, फ्री में रहने की जगह हो गई, दूसरी फैसिलिटी जैसे मेडिकल, कार, टेलीफोन वगैरह पाते हैं। और रिटायरमेंट के बाद जो चीफ जस्टिस हैं और बाकी जो जजेस हैं, इनको इनकी जो आखिरी इन्होंने सैलरी निकाली है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, उसका 50% पेंशन के तौर पे मिलता है। बहुत पैसा, बहुत फायदा है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बात करते हैं कि और रिमूवल और ट्रांसफर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जानेंगे कितने वक्त के लिए जज एक रहता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि कोई फिक्स टेन्योर है किसी जज का हाई कोर्ट के, है ना। लेकिन यहाँ पे चार प्रोविजन दी गई हैं इसके बारे में, ना ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कुछ पर्टिकुलर टेन्योर है किसी जज का, लेकिन कुछ प्रोविजन से हम समझ जाते हैं। पहली बात कि जब तक के लिए 62 ईयर्स मतलब 62 साल के नहीं हो जाते तब तक के लिए आराम से ही अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। अब ये एज वाला कोई भी जो सवाल उठता है इसे कौन डिसाइड करेगा, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, समझ रहे हैं, राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति भी कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, और जो डिसीजन होगा प्रेसिडेंट का उसके बाद वो डिसीजन बच्चों फाइनल होगा, ठीक है। तो 62 इयर्स एज याद रखिएगा। दूसरी प्रोविजन इसके रिगार्ड में दी गई है कि अपने ऑफिस से किसी भी वक्त रिजाइन कर सकते हैं, किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं, और ये इस्तीफा किसको देंगे, प्रेसिडेंट को, मतलब राष्ट्रपति को देंगे। तीसरी बात ये कि इनको रिमूव करा जा सकता है अपने ऑफिस से, और रिमूव कौन करेगा, जो यहाँ पे अपॉइंट कर रहा है, मतलब प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। और रिकमेंडेशन अगर पार्लियामेंट की होगी तो, मतलब पार्लियामेंट अगर कहता है कि इस जज को आप रिमूव कर दीजिए, तभी प्रेसिडेंट उस जज को रिमूव करेंगे। और चौथी बात कि अपना ऑफिस खाली भी कर सकते हैं, है ना, ऑफिस इनका वैकेट हो सकता है। कैसे वैकेट हो सकता है, इनका ऑफिस कैसे खाली हो सकता है, मान लीजिए ये हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अपॉइंट कर दिया गया, या फिर इनका ट्रांसफर हो गया किसी दूसरे हाई कोर्ट में, तो इनकी उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट की सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। तो ये समझ गए आप क्या टेन्योर होता है जजेस का। उसके बाद दूसरी बात करें तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ जजेस की बात करते हैं, जजेस को कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए आप कैसे हटा सकते हो, इसमें प्रेसिडेंट का ऑर्डर लगता है, राष्ट्रपति के ऑर्डर से जज को हटा सकते हैं आप किसी भी हाई कोर्ट से। राष्ट्रपति का रोल यहाँ पे जज के केस में आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है हाई कोर्ट के जज। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, वो एक रिमूवल ऑर्डर इशू करेंगे, है ना। लेकिन जब तक ये, मतलब पहली चीज तो ये पार्लियामेंट को, मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट को सबसे पहले ये एड्रेस करेंगे, है ना। और यहाँ पे एड्रेस करने के बाद, है ना, एड्रेस प्रेजेंट किया जाएगा इनके द्वारा सेम सेशन में, ऐसे रिमूवल के लिए जो सेशन चल रहा है उस पर्टिकुलर सेशन में, मानसून सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, जो भी सेशन चल रहा है, ये पूरे सेशन के बारे में हमने बात की थी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट चैप्टर में बहुत अच्छे से। तो अगर आप जाके वहाँ प्लीज सेशन देख लीजिए, तो उस पर्टिकुलर सेशन में सपोज करिए कि क्या कहते हैं मॉनसून सेशन चल रहा था, ठीक है। अब मॉनसून सेशन में इन्होंने सबसे पहले एड्रेस करा पार्लियामेंट को, और वहां पे कहा कि भैया देखिए यहाँ पे हम जो है वो एक रिमूवल ऑर्डर लेकर आएंगे, प्रेसिडेंट ने बात कही, ठीक है, जजेस की रिमूव करने के लिए, जज को रिमूव करने के लिए, क्लियर है। अब जो एड्रेस है इसे सपोर्ट भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस प्रेसिडेंट लेकर आ गए और बस काम हो गया और काम 35, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो एड्रेस है इसे सपोर्ट करेगी स्पेशल मेजोरिटी हर एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की। बहुत डिफिकल्ट है देखिए जज को हटाना, इतना आसान नहीं होता, बहुत इजी नहीं है कि बस आए और हटा दिया, ऐसा नहीं है। जो एड्रेस यहाँ पे प्रेसिडेंट करेंगे पार्लियामेंट को, इसे सपोर्ट स्पेशल मेजोरिटी करे हर एक हाउस की, मतलब
स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये हमने बहुत ही अच्छे से अपने पार्लियामेंट के चैप्टर में बहुत ही अच्छे से इन सारी वोटिंग्स को पढ़ा है, तो प्लीज उसे जाके जरूर 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 देखिए आप, ठीक है। तो हर एक हाउस के अंदर जो है वहां की जितनी भी स्ट्रेंथ है, वहां की टोटल मेंबरशिप उसकी, और साथ ही साथ जो 2/3 जो मेंबर्स हैं उस हाउस के प्रेजेंट हैं, वोट कर रहे हैं, उनकी पूरी पूरी यहाँ पे ये मेजोरिटी से सपोर्ट हो, ये जो एड्रेस किया है प्रेसिडेंट ने, तभी यहाँ पे जो ये एड्रेस है मान्य होगा। अब देखिए किस बेसिस पे आप हटा सकते हो जज को, है ना। तो जो ग्राउंड होता है रिमूवल का वो यहाँ पे दो होते हैं। पहला होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, याद रखिएगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। दो यहाँ पे हो गए, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट का जज उसी तरीके से आप हटाओगे जैसे कि एक आप हाई कोर्ट का जज उसी तरीके से आप हटाओगे जिस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। इतनी बात समझ गए? तो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पे होता है, ये ग्राउंड्स होते हैं, और आप जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटता है सेम उसी तरीके से यहाँ पे हाई कोर्ट का जज हटता है। तो बहुत ही मुश्किल काम दोनों ही केस में। अब देखिए जजेस इंक्वायरी एक्ट जो था 1968 का था, जजेस इंक्वायरी एक्ट, है ना। इसमें प्रोसीजर था कि ये आप जो है वो कैसे रिमूव करोगे किसी हाई कोर्ट के जज को, है ना। अगर इम्पीचमेंट का केस है तो इम्पीचमेंट के केस में कैसे रिमूव करोगे, तो आप समझिए यहाँ पे। आइए हम आपको समझाते हैं, बहुत गौर से समझिएगा, जस्ट लिसन इट लाइक अ स्टोरी, यू विल एंजॉय एंड यू विल मेमोराइज थिंग्स। पहली बात ये कि सबसे पहले 100 मेंबर्स, ठीक है, 100 मेंबर्स, अगर मान लीजिए लोकसभा में आप लेकर आ रहे हैं तो 100 मेंबर और राज्यसभा में ला रहे हो तो 50 मेंबर, ठीक है। यहाँ पे ये जो मेंबर्स हैं ये साइन करेंगे मोशन को, जो मोशन लाया जाएगा लोकसभा के अंदर 100 मेंबर, राज्यसभा के अंदर 50 मेंबर, ये पहले साइन करेंगे, ठीक है। और ये साइन करने के बाद ये दे दिया जाएगा स्पीकर को, स्पीकर को दिया जाएगा अगर लोकसभा में है, और चेयरमैन को दिया जाएगा अगर राज्यसभा में, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए दूसरा जो स्टेप आता है, अब किसके हाथ में कमान आ गई, स्पीकर या फिर चेयरमैन के हाथ में। तो अब ये इनके मनमर्जी की बात है कि ये चाहे तो ये जो मोशन आया है उसे एडमिट कर ले, ठीक है, या इसे रिफ्यूज कर दें एडमिट करने से, ठीक है, या मान लें या हटा दें, चलिए ठीक है। तीसरी बात, अगर मान लिया, अगर हटा दे तो कोई बात ही नहीं, कुछ बात ही खत्म हो गई। तीसरी बात, अगर एडमिट कर लिया तो उस समय स्पीकर हो अगर लोकसभा के केस में, और चेयरमैन हो अगर राज्यसभा के केस में, ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे, ठीक है, एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जिसके अंदर 3 मेंबर्स होंगे, और देखेंगे कि आखिरकार जो इम्पीचमेंट के चार्जेस जज के ऊपर लगे हैं तो क्या वो सही है क्या नहीं सही है, ठीक है, ये 3 मेंबर की कमेटी बताएगी। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, जो कमेटी है इसमें कौन कौन लोग होंगे ये समझिए। इस कमेटी में पहली चीज तो चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, दूसरे जो मेंबर होंगे वो होंगे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, और जो तीसरे मेंबर होंगे वो होगा एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो ये 3 लोग होंगे जिनके मेंबर की, जिन लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी। अब देखिए, अब मान लीजिए कि इस कमेटी ने देखा, चीजें समझी, और हाँ यहाँ पे जज को गिल्टी पाया गया मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे, या फिर कोई इनकैपेसिटी से वो सफर कर रहे हो, तो यहाँ पे हाउस जो है वो कंसिडर कर लेगी, यहाँ टेकअप कर देगी कंसिडरेशन ऑफ द मोशन, क्लियर। तो अगर नहीं पाया तो बात खत्म हो गई, लेकिन अगर पाया तो यहाँ पे हाउस क्या करेगी, हाँ मोशन को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। उसके बाद छठा स्टेप ये होता है, जब मोशन हर एक हाउस जो पार्लियामेंट का है उसे स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देगा, और यहाँ पे ये एड्रेस जो है इसे प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा रिमूवल करने के लिए, हटाने के लिए जज को। और आखिरी में सातवीं बात ये कि फाइनली सब कुछ हाथ में प्रेसिडेंट के, और प्रेसिडेंट पास कर देते हैं एक ऑर्डर, और इससे उस जज को रिमूव करा जा सकता है। तो इतना समझ गए, इतना आसान नहीं है हटाना, लेकिन प्रोसीजर सेम वैसा ही है जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का होता है। और ये बात समझिए, हमारे देश में आज तक कोई भी जज हटाया नहीं गया है, इम्पीच नहीं हुआ है आज तक, क्लियर। समझिए आप कि क्या है रिमूवल कैसे करते हैं जजेस का। तीसरा समझिए ट्रांसफर ऑफ जजेस के बारे में। अब देखिए ट्रांसफर कैसे हो सकता है, ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में आप जज को कर सकते हैं। कौन करता है ये ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करने वाले हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, मतलब प्रेसिडेंट हैं, और
ऐसे ही नहीं, जब मर्जी आए तब खुद नहीं कर सकते, इसमें वो कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, है ना। काफी इधर एक बवाल रहा था, और किस जज को बताइए कहाँ और किस हाई कोर्ट में ट्रांसफर करा गया था, अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बवाल उठा था। तो देखिए, ट्रांसफर जब जज का होता है तो इनको जो है वो इनको क्या मिलता है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इन एडिशन टू हिज सैलरी सच कंपनसेटरी अलाउंस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। जब ट्रांसफर किसी जज का करा जाता है तो सैलरी तो मिलती है, सैलरी के साथ साथ आपका जो कंपनसेटरी अलाउंस होता है, जैसा भी पार्लियामेंट समझे, पार्लियामेंट जैसा डिसाइड करे, वो अलाउंस भी इनको दिया जाता है। अब देखिए, ये बात कुछ 1977 की, 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी, और रूलिंग में कहा कि जो जजेस का ट्रांसफर होता है ना, कुड बी रिसोर्टेड टू ओनली एज एन एक्सेप्शनल मेजर। मतलब अगर आपको जजेस को ट्रांसफर करना है तो एक एक्सेप्शनली बहुत कोई केस है तभी आप ट्रांसफर करोगे, ऐसा नहीं है कि मजे में कर दिया, पब्लिक इंटरेस्ट में कर दिया, ठीक है, और कोई कोई पनिशमेंट दे दी उठा के उसमें कर दिया, समझ रहे, कोई मतलब के लिए नहीं कि मान लीजिए यहाँ से हमारा काम नहीं निकल रहा है, यहाँ हमारा जो है वो जो हम चाहते हैं कि जजेस जो है रोड़ा बन रहा है, तो उठा के इस वाले हाई कोर्ट में इसको कर दो, यहाँ ऐसे जजेस को ले आओ, ऐसे जजेस को ले आओ जिससे हमारा काम बने, तो ये सब नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा। उसके बाद यहाँ पे फिर से 1994 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू काफी जरूरी है ना, अगर अपनी मनमर्जी से आपने ट्रांसफर कर दिया जजेस का, तो जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर हो सकता है, बट ये कोई बाहर वाला नहीं आ सकता कि अरे अरे इनको ट्रांसफर कर दिया गया था, इनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगाई, ऐसा नहीं है। जिस जज का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, सिर्फ वही जो है वो चैलेंज कर सकता है इस चीज को कि भैया जुडिशियल रिव्यू की जरूरत है मुझे, क्योंकि मुझे जबरदस्ती गलत तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर करा गया है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक थर्ड जज केस आया था 1998 का, याद रखिएगा, फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस, थर्ड जज केस। तो जो थर्ड जज केस आया 1998 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केस है, मान लीजिए जो अगर कोई ट्रांसफर होता है किसी हाई कोर्ट के जज का, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना जरूरी है, समझ रहे हैं। अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं राष्ट्रपति किसी हाई कोर्ट के जज को कहीं और, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट वो करेंगे, और साथ ही साथ एक कोलेजियम होगी जिसमें कुछ चार जो है फोर सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, यहाँ पे इनसे भी कंसल्ट करेंगे, ठीक है, और चीफ जस्टिस जो है दोनों ही हाई कोर्ट्स के, उनसे भी यहाँ पे कंसल्ट करा जाएगा। दो हाई कोर्ट्स कैसे, सपोज करिए किसी जज को इस हाई कोर्ट से उठा के इस हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो यहाँ के चीफ जस्टिस होंगे और जो यहाँ के चीफ जस्टिस होंगे, इन दोनों से भी कंसल्ट करा जाएगा। इसके साथ किससे कंसल्ट करा जाएगा, इसके साथ जो चार सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी कोलेजियम से कंसल्ट करा जाएगा, और इसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी जो है वो कंसल्ट करा जाएगा। तो काफी लोगों को कंसल्टेशन प्रोसेस में ले आया गया, तो समझ रहे हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से चीजें नहीं मानी जाएंगी, उसे कंसल्टेशन प्रोसेस में नहीं रखा जाएगा, इसके साथ कोलेजियम को भी लिया जाएगा और इन दोनों चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स को भी लिया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बात आती है एक्टिंग, एडिशनल एंड रिटायर्ड जजेस के बारे में। अब ये तीनों क्या है, क्या एक्टिंग वाले एक्टिंग कर रहे हैं, तो जी हाँ, प्रेसिडेंट यहाँ पे एक सुप्रीम जो हाई कोर्ट का जज है, उन्हें यहाँ पे एक एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे भी हाई कोर्ट का बना सकते हैं। अब देखिए, ये एक हाई कोर्ट है, इसके अंदर सबसे ऊपर कौन आता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और खूब सारे यहाँ पे जज हैं। तो अगर प्रेसिडेंट चाहें, प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत पावर है यहाँ पे हाई कोर्ट के जज को लेके, तो अगर प्रेसिडेंट चाहें तो एक यहाँ पे जो हाई कोर्ट का जज है उसे एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं उसी हाई कोर्ट का। अब आप कहोगे मैम कब ऐसा कर सकते हैं प्रेसिडेंट, तो पहली बात ये कि जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का ऑफिस वैकेंट हो, मतलब खाली हो और जरूरत हो किसी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की। दूसरी बात, तब जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये टेम्परेरी एब्सेंट हो, कुछ वक्त के लिए इन्होंने छुट्टी ली हो या किसी भी वजह से ये अपने ऑफिस में ना हो। तीसरी बात, तब भी कर सकते हैं जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है ये अपनी ड्यूटीज, अपने ऑफिस की ड्यूटीज परफॉर्म ना कर पा रहे हो, ठीक है, उन्हें ना किसी भी वजह से ना परफॉर्म कर पा रहे हो, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे एक एक्टिंग चीफ जस्टिस बना लेते हैं उसी में से जो कि जज होते हैं हाई कोर्ट के। इतनी बात समझ में। उसके बाद आते हैं एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, ठीक है, एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, ये क्या है, तो एक में प्रेसिडेंट कॉमन रखिएगा। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं
एक प्रॉपर क्वालिफाइड, जो ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन होता है, उसे यहाँ पे एडिशनल जज के तौर पे बना सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट का, और ये टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, और वो पीरियड 2 सालों से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 2 सालों तक के लिए आप किसी भी एक पढ़े लिखे इंसान को, एक ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को एक एडिशनल जज बना सकते हो हाई कोर्ट का। कौन बना सकता है ये प्रेसिडेंट बना सकते हैं। अब देखिए कब बनाते हैं ये ऐसा, ठीक है, जब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि हाई कोर्ट के पास बहुत सारा काम आ गया और उस काम को कंप्लीट कराने के लिए फ्रेश रिक्रूटमेंट थोड़ी करेंगे, तो एक पढ़े लिखे इंसान को यहाँ पे एडिशनल हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है, ठीक है, जब वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाता है या टेम्परेरी इंक्रीज हो जाता है बिजनेस में हाई कोर्ट के। या दूसरी बात, ऐसा कोई एरर्स ऑफ वर्क है हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, इन दोनों टाइम पे ऐसा करते हैं। अब प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे पहला चीज समझ गया, एडिशनल बना सकते हैं, और प्रेसिडेंट साथ में एक क्वालिफाइड पर्सन को एक्टिंग जज भी बना सकते हैं हाई कोर्ट का, ठीक है। कब बना सकते हैं, जब जज जो कि हाई कोर्ट का हो, चीफ जस्टिस के अलावा जो जज हो, वो जज अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर पा रहा हो ऑफिस की, या कोई भी वजह से वो अपने एबसेंट हो अपने सीट से, अपने ऑफिस से, या फिर इनको टेम्परेरी जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बना दिया गया, ठीक है, किसी को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया हो टू एक्ट टेम्परेरी एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो उसकी सीट यहाँ खाली हो जाएगी और उस सीट को यहाँ पे प्रेसिडेंट भर सकते हैं एक क्वालिफाइड पर्सन को यहाँ पे एक्टिंग जज बना के। तो देखिए प्रेसिडेंट जब तक यहाँ पे जो एक्टिंग जज होता है ये ऑफिस को होल्ड कब तक करता है, जब तक के लिए परमानेंट जज अपना वापस से अपनी जगह पे नहीं आ जाता। हालांकि जो एडिशनल जज हो चाहे ये एक्टिंग जज हो, दोनों ही जो है वो अपनी जो जब अगर एज इनकी 62 इयर्स हो गई, 62 साल के बाद की उम्र के बाद अपना ऑफिस नहीं संभाल सकते, ठीक है, इनको यहाँ पे इजाजत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, तो इनके केस में 62 प्लीज याद रखिएगा, हाई कोर्ट के केस में जो एज है। अब बात आती है रिटायर्ड जज के बारे में, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई जज रिटायर हो गए, है ना, जो जज हैं हाई कोर्ट के वो रिटायर हो गए, या किसी भी हाई कोर्ट के जज रिटायर हैं, इनसे यहाँ पे किसी भी वक्त चीफ जस्टिस जो होते हैं ना हाई कोर्ट के, वो स्टेट के, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिटायर्ड जज से, है ना, कि आप टेम्परेरी पीरियड के लिए प्लीज आ जाइए और जज बन जाइए हाई कोर्ट के उस पर्टिकुलर स्टेट की, ठीक है। अब सपोज करिए कि जैसे हमने उत्तर प्रदेश की बात ले ली, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि इन्होंने किसी अपने हाई कोर्ट में किसी ऐसे जज से रिक्वेस्ट करी जाके जो कि ऑलरेडी रिटायर हो गए थे, उनसे कहा प्लीज आप थोड़े वक्त के लिए आ जाइए और यहाँ पे जो है आप जज बन जाइए हमारे हाई कोर्ट के, ठीक है। और ये ऐसा कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब यहाँ पे पहले से प्रीवियस कंसेंट प्रेसिडेंट की हो, प्रेसिडेंट की मर्जी यहाँ पे हो, और साथ ही साथ उसकी भी मर्जी हो जिस पर्सन को ये अपॉइंट करने के लिए, जिस रिटायर पर्सन को ये अपॉइंट करने के लिए बात कह रहे हैं, ठीक है, दोनों की मर्जी के बिना ऐसा ये कोर्ट्स नहीं रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। इसमें मर्जी किसकी लगी, उस इंसान की जिसको ये बोल रहे हैं कि आ जाइए, और प्रेसिडेंट की, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। और ऐसा जो जज बन के आएंगे फिर से, इनको यहाँ पे वही पैसा मिलेगा, वही अलाउंसेस मिलेंगे जैसा प्रेसिडेंट जो है वो समझे, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करें। सारे के सारे जुरिडिक्शन, चाहे पावर हो चाहे प्रिविलेजेस हो किसी भी जज के हाई कोर्ट की, इनको सब मिलेगी, है ना, बट विल नॉट अदरवाइज बी डीम्ड टू बी अ जज ऑफ दैट हाई कोर्ट। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ जज बनकर दोबारा से हाई कोर्ट के पावर्स खाली मिलेंगी, ये कुछ वक्त के लिए, कुछ काम के लिए इनको बुला दिए क्योंकि एक्सपीरियंस्ड इंसान है। समझ आई बात, समझ आ गई होगी, ये बढ़ा जाता है। और बात करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट की। देखिए अगर आप किसी भी ऐसी जो न्यायमूर्ति होती है या न्यायालय होता है उससे सही न्याय पाने की उम्मीद रखते हैं, तो उसको आजादी देने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप किसी को आजादी नहीं दोगे, डर के वो रहेगा, तो वो सही न्याय नहीं देगा, सही जुडिशियल नहीं डिलीवर करेगा। तो यही हाई कोर्ट के साथ भी है कि इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, इनको हर एक दिक्कत से दूर रखें कि कोई प्रेशर ना हो, कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, कोई इंटरफेयर ना करे, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ना चले आए, कोई लॉ के बेसिस पे इनको रोक ना लगाया जाए, समझ रहे हैं। तो ये इनको ऐसा बनाना है, इनको ऐसी इतनी आजादी देनी है कि बिना डरे, बिना निडर होके, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किसी के फेवर में बिना आए ये अपनी एकदम जो कह सकते हो आपकी न्यूट्रल डिसीजन दें, है ना, किसी के फेवर में ना, किसी के बायस ना हो किसी भी मैटर में। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं, कुछ प्रोविजन दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे हम ये जो जज हैं उनको यहाँ पे ये सारी चीजें प्रदान कर सकते हैं, जिससे वो न्याय जो है वो प्रॉपर तरीके से दे। तो पहला क्या है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट,
अब देखिए, जज जो है हाई कोर्ट का, इसे अपॉइंट करने वाले कौन है? इसे अपॉइंट करने वाले हैं प्रेसिडेंट, इसका मतलब यहाँ पे कैबिनेट। तो ये कंसल्ट किससे करते हैं? जुडिशरी के मेंबर से खुद कंसल्ट करते हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से करते हैं। तो आप समझ गए ना, तो जो यहाँ पे खुद की मर्जी नहीं है प्रेसिडेंट की कि अपनी मर्जी से कुछ भी करने की, है ना। तो अपॉइंटमेंट में जुडिशरी का यहाँ रोल है और यहाँ पे पॉलिटिकल और जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है वो उस पर बेस्ड है नहीं, है ना, कि मतलब अपना देखें या अपने मतलब से कर लें चीजों को। तो ये अपॉइंटमेंट यहाँ पे आजादी सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को नहीं दी गई है, इस बात से थोड़ा सा लगता है कि भाई हाँ इंडिपेंडेंस है। दूसरी बात आती है टेन्योर की सिक्योरिटी की। अब देखिए, जज को आप ऐसे ही फटाफट ऑफिस से नहीं रिमूव कर सकते, एक प्रॉपर इसका जो है वो एक तरीका है, बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें जो है आपको हराना होगा तब ये यहाँ से जो है जज हटाया जा सकता है। तो इतना आसान नहीं है, इसका मतलब ये अपना ऐसा ऑफिस नहीं है कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करो तो प्रेसिडेंट ही जब चाहे तब रिमूव कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो और ये भी बात सही है कि आज तक कोई जज इम्पीच हुआ ही नहीं है, जो मैंने आपको पहले बताया रिमूवल के टाइम पे। तो इतना कठिन प्रोसेस और प्रेसिडेंट की खुद की मनमर्जी ना चलना, ये समय इनके इनकी इनके टेन्योर को सिक्योरिटी देता है, इनके काम करना इसे आसानी से होता है, इनको डर नहीं होता कि हम किसी वक्त निकाल दिए जाएंगे अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे, तो ये डर इनके अंदर नहीं होता है। तीसरा है फिक्स सर्विस कंडीशन। तो मैंने जैसे आपको बताया जो भी इनको फायदे मिलते हैं, जैसे इनकी सैलरी वगैरह, इनके अलाउंसेस वगैरह, इनको जो भी प्रिविलेज दी जाती है, इनको जो भी छुट्टियां ले लेते हैं, पेंशन लेते हैं, तो ये सब पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है टाइम टू टाइम, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि इनका अपॉइंटमेंट हुआ और अपॉइंटमेंट करने के बाद इनकी उस समय सैलरी 2,25,000 थी, लेकिन चिड़ गए तो इनकी सैलरी घटा के जो है वो 60,000 कर दी, ऐसा नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट के बाद चीजें नहीं बदल सकते। हाँ, इनकी सैलरी तब घट सकती है बच्चों जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो, ठीक है। इसलिए ये कंडीशन से क्या होता है कि जज को ये भी नहीं लगता कि अरे हमारे पैसे कट जाएंगे, लाओ हम डर डर के रहे, ऐसा कुछ नहीं, समझे आपको। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। तो देखिए, जो भी खर्चा वगैरह हो रहा है, जैसे सैलरी दे रहे हैं जज को, अलाउंसेस दे रहे हैं जज को, है ना, पेंशन मिल रही है, जो भी इनके खर्चे वगैरह हैं, ये कहाँ से निकाले जाते हैं? ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकाले जाते हैं, क्योंकि उस स्टेट का हाई कोर्ट है, तो उस स्टेट जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है वहां से पैसा निकाला जाता है। और ये इसमें वोटिंग नहीं होती, नॉन वोटेबल होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में वोटिंग नहीं होती है। हाँ, डिस्कशन होता है इसके ऊपर, वोटिंग नहीं होती है, नहीं तो ये क्या डर होता, वोटिंग से ये सैलरी ना देते, ठीक है। तो लेकिन वोटिंग होती नहीं है, हाँ डिस्कशन होता है, वो होता है। तो यहाँ समझिएगा कि जो पेंशन है हाई कोर्ट के जज की, इसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालते हैं, उस समय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से नहीं निकालते। मतलब सैलरी वगैरह, अलाउंसेस वगैरह तो सब स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकलते हैं एक किसी भी हाई कोर्ट के जज की, लेकिन जो इनकी पेंशन होती है वो पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलती है, क्लियर है। उसके बाद बात आती है कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, है ना। ये देखिए, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चीज पे रोक लगाई है कि देखिए, आप कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर सकते, या कोई भी डिस्कशन आप स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी नहीं कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, कि उन्होंने किस तरीके से अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करी या भाई उन्होंने क्या काम किया, तो इसके लिए आप उन पे यहाँ पे इसका इस पीस पे डिस्कशन नहीं कर सकते। आप डिस्कशन तभी कर सकते हो जब इनके खिलाफ कोई इम्पीचमेंट मोशन चल रहा हो पार्लियामेंट के अंदर, अगर नहीं है तो इनका कंडक्ट ऑफ जो जज है, जो कंडक्ट है जज का, उसे आप डिस्कस नहीं कर सकते हो कि उन्होंने ड्यूटीज कैसे डिस्चार्ज करी थी या कैसा क्या हुआ था, ये सारी बात। उसके बाद बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। देखिए, जज जो होते हैं हाई कोर्ट के, इन पे यहाँ रोक लगा दी गई है कि आप देखो भैया, यहाँ पे जो आप एक बार रिटायर हो गए तो उसके बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देखो, इसका एक बहुत बड़ा कारण बच्चों ये होता है कि मान लीजिए अपने कार्यकाल के टाइम पे इन्होंने बड़े वादे करे, तुम परेशान मत होना, मैं एक बार रिटायर हो जाऊंगा ना, फिर मैं तुम्हारी मदद करा करूंगा, ठीक है। तो इस चीज पे इसलिए इन्होंने रोक लगाई कि आप अगर रिटायर होगा उसके बाद आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, तो आप किसी के फेवर में डिसीजन देना शुरू कर दोगे, आप जो है जो चीज है लूपहोल्स है वो आप क्रिएट करने लग जाओगे। तो इस चीज पे रोक लगाने के लिए यहाँ पे कोई भी एक्टिंग या फिर जो है प्लीडिंग किसी भी कोर्ट में नहीं आप कर सकते हो, किसी भी अथॉरिटी में, अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सामने आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे फिर से जज के तौर पे नहीं बन के आ सकते किसी भी तरीके से, अगर आपका रिटायरमेंट हो गया है तो।
ठीक है, वो एक अलग की बात है, रिटायर्ड जज रिक्वेस्ट हो रही है वो एक अलग की बात है, ठीक है। अब पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, इसमें क्या है, देखिए हाई कोर्ट यहाँ पे किसी भी इंसान को पनिश कर सकती है उसके कंटेम्प्ट के लिए, इसलिए यहाँ पे इनके एक्शंस डिसीजंस आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यहाँ भी आपने रिसेंटली देखा था ना, चीफ्स ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पे जो प्रशांत भूषण वाला केस हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज लग गए थे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने पूरी तरीके से समझाया है पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, आप उसे देख लीजिए, वो पूरा ही बेसिक्स क्लियर करता है। लेकिन अब इसमें क्या था कि जज के पास यहाँ पे मतलब अगर आपने किसी उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के डिसीजन की बुराई कर दी या फिर क्रिटिसाइज कर दिया, आपने कुछ भी कह दिया उल्टा सीधा, तो यहाँ पे इनके पास इतनी पावर होती है कि वो आपको पनिश करे। और ये पावर जो है ये आपकी हाई कोर्ट के हाथ में है, इसलिए है कि वो भैया इनकी अथॉरिटी डिग्निटी ऑनर मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि इन्होंने कोई डिसीजन दिया और चार लोग जो है कुछ सुना के चले जाए, ऐसा ना हो इसलिए ये प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, तो देखिए यहाँ पे जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, ये यहाँ पे ऑफिसर हो गए, सर्वेंट हो गए हाई कोर्ट के, इनको यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं, और इसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव की प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंटरफेयर करने, ये सब कोई इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होती। और ये भी बता सकते हैं क्या कंडीशन होगी इन लोग की सर्विस की, कितना रहेंगे कितना नहीं रहेंगे, तो ये सब भी आसादित होती है उनके पास में। उसके बाद क्या होता है, इट्स ज्यूरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड। अब देखिए जो ज्यूरिडिक्शन है, जो पावर है हाई कोर्ट की, है ना, तो इन सो फार एज दे आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कर्टेल्ड बोथ बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे इनकी जो पावर वगैरह होती है, है ना, ज्यूरिडिक्शन को लेके, जो मतलब जो न्याय देने की पावर है, जो भी चीजें हैं यहाँ पे हाई कोर्ट की, उसे बदला नहीं जा सकता, ना बदल सकती है उसे पार्लियामेंट और ना बदल सकती है स्टेट लेजिस्लेचर। बट दूसरे रिस्पेक्ट में देखें तो जो ज्यूरिडिक्शन और जो पावर है हाई कोर्ट की, ये चेंज कर सकते हैं दोनों ही यहाँ पे पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए जो ज्यूरिडिक्शन द पावर ऑफ द हाई कोर्ट इन सो फार एज दे आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कर्टेल्ड बोथ बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर बट इन अदर रिस्पेक्ट्स द ज्यूरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी चेंज्ड बोथ बाय पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए यहाँ पे आखिरी में बात आती है सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्होंने स्टेट को ये बात डायरेक्ट करी है कि आप जो है वो जुडिशरी को आप अलग रखिए, एग्जीक्यूटिव से अलग रखिए, एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज यहाँ पे अलग रखिए। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव की जो अथॉरिटीज होती हैं शुड नॉट पोजेस द जुडिशियल पावर, इनके पास कोई भी जुडिशियल पावर नहीं होती, ये समझिएगा, है ना। और भाई ये पूरा तरीके से जो रोल है वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को ही दिया जाता है। अगर एग्जीक्यूटिव के पास पावर दे दोगे तो यहाँ पे बैठ के सारे क्या करेंगे, सारा डिसीजन दे देंगे अपने हिसाब से, सब न्याय व्याय देना शुरू करेंगे, अपने मतलब का काम करेंगे, सरकार के हाथ में इतनी पावर आ जाएगी जुडिशरी हटने के बाद कि वो देश तहस भी कर सकती है या मोनोपोली भी यहाँ आ सकती है ना, मतलब ये समझ रहे हैं, मतलब डिक्टेटरशिप टाइप्स ये भी हो सकता है। तो इसलिए जुडिशरी का अलग होना एग्जीक्यूटिव से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर जिस इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट रहती है। तो पार्ट वन में इतना ही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सिर्फ आईएएस का फेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हैं, यहाँ आपको वीडियोस मिलेंगी, बाकी जितने भी सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, लिंक इनके कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप हमारी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कई सारी पर्क्स मिल जाएंगी। भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, ओपन टू ऑल, प्लीज अपने व्यूज उसमें डालें। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।